जी, तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। ये स्ट्रीमलाइन सेल्स टैक्स .org की वेबसाइट है इनकी, और ये जो है वो स्टेट्स देते हैं जिन जिन में ये हेल्प करते हैं रजिस्टर करने के लिए। और यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे रजिस्टर नाउ, अब ये पेज हमारे पास खुल गया, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे हम करेंगे, देखिए यहाँ पे ये इसने नेक्स्ट पेज खोल दिया। यहाँ पे हम अपने हमें जो है वो अपना डिजायर्ड पासवर्ड डालना है, ठीक है। अब ये सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर भी हैं, तो ये मुझे अगर आप टाइप करके दे दें, या 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड सबसे पहले डाल दिया, और दो सिक्योरिटी क्वेश्चंस एंड आंसर्स मैंने जो है वो सबमिट करवा दिए। अब नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे हमें करेक्टर्स टाइप करने हैं, URXEN। तो अब ये यहाँ पे नेक्स्ट पेज आ गया, ठीक है। ठीक अब यहाँ पे ये हमें पूछता है कि डू यू प्लान टू कॉन्टेक्ट CSP और CAS टू डिस्कस देयर सर्विसेज। तो ये CSP और CAS बेसिकली जो है वो ऑटोमेटिक सर्विस होती है जो हमारे बिहाफ पे सारी चीजें हैंडल करती है, लेकिन हम जो है वो नहीं यूज करेंगे उसको, हम जो है वो मैन्युअली उसको फाइलिंग वगैरह करवाएंगे। तो हम यहाँ पे इसको नो रहने देंगे, तो ऑटोमेटिक ये जो है वो दोनों डिसेबल्ड होंगे। ये यहाँ पे देखें, सर्टिफाइड सर्विस प्रोवाइडर और सर्टिफाइड ऑटोमेटिक सिस्टम। यहाँ पे यस मैं करूंगा तो ये इनेबल हो गया। ये सारी सर्विसेज, ये सारे टैक्स कंसल्टेंट्स और सारी चीजें हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो सपोर्ट करता है स्ट्रीमलाइन को, ठीक है। लेकिन हम उसको ये एवेलारा जो है वो टैक्स जार की तरह ही है, लेकिन हम उसको यूज नहीं करते, तो हम यहाँ पे नो रहने देते हैं। अब यहाँ पे इसको नेक्स्ट करेंगे हम, तब ये यहाँ से यहाँ पे हमारे पास जो है वो सारी डिटेल्स मांगेगा ये LLC की। अब यहाँ पे सबसे पहले हम LLC हमारी है तो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें EIN नंबर डालना है, लेकिन विदाउट डैश। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब बिजनेस नेम हमें लीगल नेम डालना है बिजनेस का, जो कि हमारा ये है, ठीक है। DBA नेम, हम जिस नाम से बिजनेस कर रहे हैं हम इसी नाम से कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पे चेक मार्क लगा देंगे, सेम एज बिजनेस नेम। बिजनेस फोन नंबर भी चाहिए होगा वो है नहीं, लेकिन ये फॉर रिकॉर्ड पर्पसेस है, उनके रिकॉर्ड में जो है वो ये नंबर जो है वो उनके पास रहेगा। हाँ, वो मतलब एडिट एडिट के अंदर जाके आप जो है वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है कि वो चेंज हो सकता है या नहीं। अब नेक्स्ट, इसके बाद जो है वो NACIS कोड मांगता है, ठीक है। ये NACIS कोड क्या होता है, बेसिकली वो एक कोड होता है जो आपका नेचर ऑफ बिजनेस डिफाइन करता है। यहाँ पे ये इनकी पूरी एक डायरेक्टरी है, नॉर्थ अमेरिकन इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन सिस्टम। हमारा बिजनेस जो है वो लोड नहीं हुआ, रिटेल है, तो रिटेल ट्रेड, ये देखिए पेज नंबर 345 पे जा रहा है रिटेल ट्रेड। फोर फाइव फोर, अब ये यहाँ पे हमारे पास आ गया, ये रहा नॉन स्टोर रिटेलर्स। हमारा स्टोर कोई नहीं है और हम रिटेलर हैं, तो ये नंबर हमारे पास आएगा। अब ये इसका मेन है, और इसके बाद ये इसकी सब सब कैटेगरी के हिसाब से चलता ही है, ठीक है। तो हम ये यूज करेंगे यहाँ पे, और एंड में आ जाएगा 0, क्योंकि ये 6 डिजिट्स मांगता है सब कैटेगरी के, तो ये 6 डिजिट्स ये वाले थे। अब स्टेट ऑफ इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक
ठीक है, आपकी एलएलसी किस स्टेट की है? ठीक है, हम यहाँ पे वायोमिंग सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमें देना है बिजनेस लोकेशन एड्रेस, इसमें हम एजेंट का एड्रेस देंगे। वायोमिंग अब मेलिंग एड्रेस हमें यहाँ देना है जहाँ पे हमारा हमारे जो है वो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स वो बाय मेल भिजवाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम ये एड्रेस यूज करेंगे। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन हमें यहाँ देनी है। ठीक है, जी अब हमें कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो इनकी लेनी है, हसन अथर खान। ये हमें जरूरत नहीं है इसकी, इसके हम रहने देंगे। फोन नंबर हम जो है वो यही वाला यूज करेंगे। कॉन्टैक्ट ईमेल में ठीक है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है कौन कौन से स्टेट्स में हमें रजिस्टर करवाना है। अभी ये बाय सही डिफॉल्ट जो है वो सेलेक्ट ऑल हुए हैं, हम यहाँ से इसको हटा देंगे और जो हमें सेलेक्ट करवाना है सिर्फ इसमें हम करवाएंगे। और यहाँ पे हम क्लिक चेक लगाएंगे रिमोट सेलर का, क्योंकि हमारी फिजिकल ठीक लोकेशन है, कोई नहीं है। ठीक है, ठीक है, और डेट हम यहाँ पे डालेंगे, ये आज से रजिस्टर करवाना है या आपको नेक्स्ट मंथ से करवाना है, कब से करवाना है, मतलब ये इफेक्टिव डेट क्या होगी आपकी बिजनेस की। एंड ऑफ दिस मंथ करके, तो मतलब 1st of March से हम जो है वो इसको रजिस्टर करवा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे ये एक बटन है, इसको हम इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। वो डिसेबल करेंगे तो सिर्फ रजिस्टर्ड स्टेट्स दिखाएगा हमें, और इनेबल करेंगे तो सारे स्टेट्स यहाँ पे शो होंगे। ठीक इसको यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे इसने जो है वो एक रिव्यू का पेज दे दिया है पूरा। ठीक है, इस पे सारी डिटेल्स हम एक दफा चेक करेंगे कि सारी चीजें जो है वो अकॉर्डिंग टू हमारी स्पेसिफिकेशंस हैं या नहीं, जैसे कि EIN नंबर हो गया या कंपनी की और डिटेल्स हो गई, वो सारी हम एक दफा गो थ्रू करेंगे और उसके बाद यहाँ से इसको करवा देंगे सबमिट। ठीक अच्छा, मैं सिर्फ कंफर्म कर रहा था, पासवर्ड हमारे पास है। ठीक है, ये हमने यहाँ से सबमिट करवाया, अब ये हमारे पास कंफर्मेशन आ गई, ये सबमिट हो गया। ये आपकी जो है वो SST ID है, स्ट्रीमलाइन सेल्स टैक्स ID है। ठीक है, ये ठीक आपका कंफर्मेशन नंबर है। ठीक है, ये आपकी आज की डेट आ गई सबमिशन की, इसका हम जो है वो एक प्रिंट यहाँ से ले लेंगे। ये मैं आपको भिजवा दूंगा चैट के अंदर। ठीक है, और अब ये हमारे पास कंफर्मेशन आएगी कि हमारे पास, आप अगर चेक करें तो आपके पास ईमेल भी आ गई होगी स्ट्रीमलाइन की तरफ से। अगर आपके पास अभी हैंडी है तो आप चेक कर सकते हैं उसको, और उसमें जो है वो कंफर्मेशन होगी। अब नेक्स्ट ठीक आप है, नेक्स्ट इसके बाद स्टेप ये है कि जब आपके पास वायोमिंग की तरफ से परमिट आ जाएगा, ठीक है, तो आपको उनके जी पोर्टल पे जाके जो है वो रजिस्टर करवाना है। वायोमिंग की जो स्टेट का जो है, स्टेट का पोर्टल है वायोमिंग का, ओके, अगर मेरे पास, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे आपको जो है ना वो न्यू यूजर्स में जाके साइन अप करना होगा।
ये सारी डिटेल्स वगैरह जो है वो फिल करनी होगी फिर बाद में, तो वो आपका और ये ऑनलाइन एक्सेस आपका पोर्टल का ऑन हो जाएगा और उसमें आपका जो है वो लिंक हो जाएगा फिर आपका अकाउंट, तो इसके थ्रू आप फाइलिंग करेंगे. ठीक है, तो अगर मेरे पास देख लूं, खुलेगा नहीं अभी ये मेरे से, तो इसके थ्रू आप जो है फिर वो फाइलिंग, इसमें आप वो अपनी सेल्स टैक्स आईडी वगैरह सारी चीजें डिफाइन करेंगे तो फिर जो है वो आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा उसके साथ. अब आप ये याद रखिएगा कि नेक्स्ट ईमेल तो खैर आपके पास आ गई होगी और स्ट्रीमलाइन का जो है वो नंबर भी आपको मिल गया यहाँ से. ठीक है, आप चाहें तो इस अब लॉगिन करने के लिए आपको ये नंबर चाहिए होगा. ठीक है, और जो आपने पासवर्ड डाला है वो पासवर्ड चाहिए होगा. सही, उसके थ्रू आप स्ट्रीमलाइन की वेबसाइट पे लॉगिन कर सकेंगे. वहां से चाहें तो आप फिर जो है वो अपने स्टेट्स भी एडिट कर सकते हैं, मतलब आपको और स्टेट्स में रजिस्टर करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं, और बिजनेस इन्फॉर्मेशन अगर आपको कोई चेंज करनी है तो वो भी कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें उस पोर्टल से हो जाएगी स्ट्रीमलाइन के. अब स्टेट की तरफ से जो हमने मेलिंग एड्रेस इनको जो दिया है स्टेट की तरफ से, उस मेलिंग एड्रेस पे जो है वो सेल्स टैक्स परमिट आएगा, उसके अंदर आपकी सेल्स टैक्स की आईडी लिखी हुई होगी. ठीक है, और वो आईडी आप यूज करेंगे, मतलब वो आपकी सेल्स टैक्स आईडी हो गई और उस आईडी के थ्रू आप जो है वो अपने वो बना सकते हैं रीसेल सर्टिफिकेट्स वगैरह जो सप्लायर्स को हम देते हैं. ठीक है, उसमें कितना टाइम लगेगा वो आईडी आने में? आई थिंक वो 10 से 10 आई थिंक 10 वर्किंग डेज या कुछ लगते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं आता 10 वर्किंग डेज में, ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन का ये ईमेल एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से मिलेगा. कॉन्टेक्ट अस ये रहा. अब ये देखिए यहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, आप बिजनेस इन्फॉर्मेशन आप अपडेट कर सकते हैं और ये सारी चीजें आप यहाँ से चेंज पासवर्ड वगैरह सारी चीजें कर सकते हैं. कॉन्टेक्ट अस में हम आएंगे तो अब ये यहाँ पे ये देखें, ये ईमेल एड्रेस वगैरह दिए हुए सबके. ठीक है, तो यहाँ से आप जो आपका डेजिग्नेटेड है उनको आप ईमेल करके अपनी सेल्स स्ट्रीमलाइन की आईडी दीजिएगा और उनको बोलिएगा कि हमने जो है वो रजिस्टर करवाया है बट हमारा अभी तक जो है वो परमिट नहीं आया हमारे पास या एक्स वाई सी जो भी आप, तो वो अपने एंड पे जो है वो वायोमिंग को कांटेक्ट करेंगे और आपका इश्यू रिजॉल्व करवाएंगे. ठीक है जी, तो बस यही चीजें थी, इसके अंदर कोई इतना खास वो नहीं था. डिटेल्स आपके पास सारी होनी चाहिए कंपनी की और इसी प्रोसेस से अब जब वो आपके पास वायोमिंग का टूर्नामेंट आ जाएगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है उसका. लेकिन ये याद रखिएगा कि हमने बिजनेस इफेक्टिव डेट जो है वो 1st of March रखवाई है, तो उससे पहले पहले आप जो है वो कोशिश कीजिएगा कि आपके पोर्टल का एक्सेस भी ऑन हो जाए ताकि फिर आप उसको जो है वो फाइलिंग करने में आसानी हो. ठीक है, ठीक है, तो बस यही चीजें थी.